देश में चार प्रमुख नवरात्रि मानी गई है। इसमें चैत्र नवरात्रि का अत्यधिक महत्व रहता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो रही है। पंचांग के अनुसार लगभग 30 साल बाद एक अद्भुत अमृत सिद्धि योग बन रहा है। इस दौरान देवी की आराधना करने से मृत्यु तुल्य कष्ट से भी छुटकारा मिल सकेगा। खरगोन जिले के मंडलेश्वर निवासी ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज मेहता ने लोकल एटिन को बताया है कि चैत्र नवरात्रि इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी इसी नवरात्रि से होती है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि आदिशक्ति माँ भगवती की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि का आरम्भ किया था। इस बार जो नवरात्रि आरम्भ होगी 9 अप्रैल मंगलवार और रेवती नक्षत्र सुबह है और उसके बाद में चार घटी के नाम का अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। नक्षत्रों में पहला नक्षत्र अश्विनी, तो इस बार योग ये आएगा कि प्रतिपदा भी होगी, नक्षत्र भी प्रथम होगा और इसी के मध्य में सूर्य का जो है मेष राशि में प्रवेश भी इसी रात्रि के अंतर्गत होगा। मतलब इसको हम एक विशेष संयोग भी कह सकते हैं। हाँ, विशेष संयोग बिल्कुल रहेगा क्योंकि मंगलवार को यदि अश्विनी नक्षत्र हो तो अमृत सिद्धि योग होता है, तो अश्विनी नक्षत्र के लगते ही मंगलवार में अमृत सिद्धि योग होगा। ऐसा कहते हैं कि इसमें यदि देवी की उपासना की जाए या तो कोई प्राचीन मंदिर है देवी का जहाँ प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा है, बहुत पुराना मंदिर है, अच्छे प्राण शुद्ध रूप से प्राण प्रतिष्ठित किया गया हुआ विधि विधान से ऐसा कोई मंदिर, तो उस देवी की प्रतिमा के पास में बैठ करके किए गए जब तब से उसको भयंकर मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो तो उससे भी उसका छुटकारा मिलता है। और कोई दुर्घटना होने वाली हो या कुंडली में जन्म कुंडली में यदि बताया गया हो कि भाई मारक योग है या एक्सीडेंट का योग है या कोई दुर्घटना का योग है तो उससे छुटकारा, उससे बचाव भी होता है। ये किस समय किया जा सकता है? तो ये जैसे हमने कहा कि मंगलवार भी है, पहली पड़वा के दिन ही ये योग आ रहा है। मतलब नहीं, दिन ये जब तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा उस मंगलवार को, उस मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र के सहयोग में भौमाश्विन्या प्रतिमा सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम करती, ऐसा अथर्ववेद में वर्णन आया। तो इसका मतलब ये है कि जब तक अश्विन, तो ये मान के चलिए सूर्योदय के 2 घंटे के बाद में अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा मंगलवार को प्रतिपदा के पड़वा के। लोकल एटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।